हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं असी घाट पे और यहाँ पे आए घूमने के लिए। अभी शाम हो रहा, अभी आरती भी नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम है, तो जो थोड़ा चलते हैं घूमते हैं और रील उल बनाएंगे। ये देखिए सब लोग फोटो शूट करा रहे हैं और दुकान भी सब लग रहा है, क्योंकि अभी शाम है, दुकान लगने का समय है, सब लोग अपना अपना दुकान लगा रहे हैं। और देखिए घाट का भी साफ सफाई चल रहा है, क्योंकि पानी बढ़ गया था ना, तो गया है तो सब धो भी रहे हैं। देखिए वहाँ पे सब धुला रहा है और यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं बाप बेटी। क्या करें, वही हवा लगी, मस्त लग रहा है साथ। हाँ ठंडा ठंडा ना, मौसम अच्छा किया है। और मेरी बुट्टू सोई थी रास्ते में, जग गई है। हाँ बोल रही है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर बैठते हैं, एक दो रील बना लिया जाए ना, आप फोटो शूट कर लिया जाए। उसी के लिए तो ये किए हैं, घूमने के लिए, हवा खाने के, रील बनाने के लिए। असी घाट पर बहुत लोग आते हैं, दशमी भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग रील रूल के लिए असी घाट आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, वहीं भी रील बन जाएगा, रील ना बन। और इनको हम भिंगा दिए हैं। ये भिंगा दिए, बताइए वजह क्या है, बता दीजिएगा। वजह बताइए, गलत आदमी। वजह भी बताइए, वजह बताइए क्या है। आज से दो साल पहले जब हम यहाँ आ रहे थे बनारस, सोचे कि बनारस रूम ले ले, तो हम रूम लेने के लिए यहाँ पे आए थे, तो सोचे कि रूम तो ले लिए, अब काम खोजते हैं। तो काम गए एक होटल में, तो बोला कि हमारे यहाँ एक काम है, आप कितने पढ़े लिखे? हम बोले कि हम BSc किए हुए हैं। तो बोला कि हमारे पास एक काम है कि जो विदेशी लोग आते हैं उनको घुमाना है हर जगह, असी घाट इधर उधर, मतलब बनारस। अब बताइए, हम हिंदी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले आदमी हैं, हम इंग्लिश में कैसे उन लोगों के पास जाके समझाएंगे कि हम यहाँ आए वहाँ आए, इसलिए वो काम नहीं किए। तो फिर बोला कि हमको कि तुम वो वाला काम करो, वेटर वाला। हम बोले वेटर वाला बात है, क्लियर बताइए। और उसके क्या क्लियर, तो क्या बोल रहे थे, वो काम करते थे, बताइए। वो काम करते, हम सोचे कि हम काम करते तो उसी में कोई विदेशी लड़की लोग आती तो शादी कर लेते, क्या करते हैं, इसलिए हम पानी डाल के भिंगा दिए हैं। इसीलिए तुम्हारे साथ है। अगर हमको इंग्लिश आता, अगर उसमें जॉब करते, लेकिन उसी में कौन कोई लड़की से शादी करते, विदेशी से है कि हम पैसा वाले तोड़ देते, पैसा वाले से शादी हम कर लेते, पैसा वाले हो जाते हैं। नक कबाड़ देखिए, दीदी हेशियम कैसी हूँ? आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्य, मैं आपकी शिष्य, इस पे दया कर दीजिए। अपना नाम बताइए। ये हमको मिला है दोस्त, ये पढ़ना है, शिव हमारे गुरु हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। और ये देखिए लिखा हुआ है, ये लोग आंटी लोग दी है, क्या कहाँ से मिला है आंटी आपको? ये हमको मिला, हम लोग मिल के अपना छपवाए हैं। हाँ। हम लोग गुरुकार करते हैं, हाँ, घर कर गृहस्थी के काम के निकालने के बाद अपना थोड़ा समय महादेव में। हाँ, सबको सुनाना है और समझाना है कि शिव गुरु है। हाँ। तो सबको पता है कि शिव गुरु है, मगर इस तरह से समझे नहीं है ना, शिव गुरु है ये दुनिया जानती है, मगर शिव हमारे है ये कोई नहीं जानता है। जब शिव की बड़े दया होती है, इंसान तभी ना इंसान भगवान को याद करता है, ये है तो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अपने हर परिवार को याद करते हुए महादेव को याद करते, अपना समय निकाल के खुश महादेव नहीं तुम, ताकि हमारा यहाँ भी बने वहाँ भी बने। आप समझ में आया ना? अपना नाम बताइए आप लोग। स्वाति कुमारी इनका नाम है। अच्छा, बच्चिया क्या? एंजल कुमार नाम, हमारा पीयूष कुमार नाम। इन भाई बहनों ने आज से शिव को गुरु बनाया, इनका नाम शिव सम्राट अंतरिक्ष में दर्ज हो जाएगा। मेरा पहले से दर्ज है। जुड़ी है? हाँ, शिव जी को मानते हैं, खूब पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, ये ऐसे दिल से मानते हैं, ये सब नहीं करते हैं, लेकिन एक लोग मेरा जोड़ दिए हैं पहले से। शिव तो पूरा सबका गुरु है, इसे बताना थोड़े है किसी को। भैया हरिंदर भैया नीलम जी, किसी सुनी हो? हाँ, जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग का उनका कांटेक्ट है ना, शिव चर्चा जो शिव की शिष्य है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। हम लोग को बनबन इधर उधर भटकना पड़ेगा, तीर्थ आत्मा कर अरे यात्रा करना पड़ेगा, तब ना भगवान मिलेंगे। गांव में बोला जाता है हरिंदर भैया नीलम देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ये सब कुछ बोला। एक आंटी बताई थी हम लोग को, ये जो है हमको डायरेक्ट शिव से मिलाएगा, हमारी कोई भी परेशानी दिक्कत परेशानी दिखाई नहीं देगा बेटा, लेकिन दिखाई नहीं, 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 हम पूजा करते हैं, ऐसे मानते हैं, चर्चा करते हैं,
सीयू चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे घर में हम लोग के होता है। ये बोलिए आज से आप लोग हम लोग के घर में कुछ पूजा होता है ना, तो उसमें सीयू चर्चा होता है। महादेव की चर्चा अभी हो गए, अभी कब से आप लोग सीयू चर्चा में जुड़ी हैं? अच्छा, हमारे बच्ची साढ़े चार महीने तब से उनकी कृपा दया से समय निकाल के अपना, मतलब सिर्फ घर पर ही ये सब करना है, कहीं मंदिर नहीं है ना? एकदम मंदिर में भगवान है, दिल में भगवान है, जहाँ दिल से याद करेंगे तहाँ भगवान है, नहीं याद करेंगे तो कुछ नहीं है। कुछ आंटी लोग आई थी और वो शिव गुरु के बारे में बताने लगी है, देख सकते हैं पर्चा भी दी है कि ये लोग ये आपको सुबह शाम जब टाइम मिले तब पढ़ना है, शिव गुरु को मन में ध्यान करना है, और ये छीन रही है, ये देखिए पर्चा दी है। वैसे शिव गुरु का तो मेरा नाम एक आंटी गांव पे ही जोड़ दी थी, हम शिव गुरु में विश्वास करते हैं, और हम लोग के घर में ना कुछ भी शुभ काम होता है ना उससे पहले शिव चर्चा कराया जाता है, और इस पर ना लिखा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं, आंटी बोल रही है कि ये सब आपको घर में चुपचाप बैठ कर करना होगा। देखिए लिखा हुआ है, शिव हमारे गुरु हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव शिष्य होने में सहायक तीन सूत्र, पहला सूत्र है अपने गुरु शिव से मन ही मन यह कहे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है कि सबको सुनाना और समझाना है कि शिव गुरु हैं, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बनाएं। तीसरा सूत्र यह है कि अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करना है, इच्छा हो तो नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम किया जा सकता है। हरिद्रानंद सौजन्य शिव शिष्य परिवार रांची झारखंड द्वारा सरलीकृत। ओ क्या कहना चाहोगे, करोगे सुबह शाम? हम दिल से मानते हैं, जब पूजा करते हैं उनका भी मान लेके पूजा करते हैं। हाँ अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम बस पूजा ही करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए, हम पूजा करते हैं, वैसे शिव गुरु का भी नाम लेके पूजा करते हैं।